नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि आज से जो है ना बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट होगा, और वो टॉपिक क्या होगा कि अंडरग्राउंड माइन मेथड स्टार्ट होगा दोस्तों। और इसके तहत आज हम लोग पहला जो हम लोग पकड़ते हैं चैप्टर, वो क्या है, सिंकिंग शाफ्ट। भैया कहीं भी अंडरग्राउंड माइन से स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्या जरूरी है, शाफ्ट की खुदाई शुरू होती है दोस्तों। तो चलिए, एग्जाम सर पे है, बातचीत बाद में स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन कि भैया बकेट के लिए सेफ्टी हुक लगाना कितने मीटर की डेप्थ पे अनिवार्य। ये जो बकेट वर्ड है मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ना, ये है डोली, जिसपे चढ़ के आदमी वाइंडिंग में ऊपर नीचे करता है ना, तो उसमें क्या है कि बकेट के लिए सेफ्टी हुक लगाना कब अनिवार्य होगा। भाई कितने डेप्थ पे हम लोग सेफ्टी हुक का यूज करेंगे शाफ्ट में, तो कितने पे करेंगे दोस्तों, जब शाफ्ट की डेप्थ कितनी होगी 45 मीटर से अधिक। शाफ्ट का डेप्थ मोर देन 45 मीटर से अधिक होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सेफ्टी हुक का इस्तेमाल करेंगे शाफ्ट में। ठीक है, चलिए अब लेते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिए क्या बोलता है कि शाफ्ट की डेप्थ मोर देन 150 मीटर हो तो, कितना मोर देन 150 मीटर हो तो गाइड का रोप शाफ्ट की तल्ली से कितने मीटर तक बढ़ाकर रखेंगे या रखे जाएंगे। डेप्थ कितना बोल रहा, मोर देन 150 मीटर, और गाइड की रोप क्या बोल रहा, तल्ली से कितने मीटर तक बढ़ा के रखेंगे, कितने मीटर तक, 22.5 मीटर तक। कितना, 22.5 मीटर तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई शाफ्ट में जो है ना वो सिंगलिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह का हम लोग सिंगलिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। तो भैया शाफ्ट में दो तरह का सिंगलिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी दोनों तरफ में क्या भाई, एक जो है इलेक्ट्रिक घंटी है जो घंटी से संकेत जाता है, दूसरा अगर लाइन कट गया और जनरेटर का व्यवस्था नहीं है तो आप देखे होंगे कि शाफ्ट में एक मोटा वायर नीचे झूला रहता है, उसके ऊपर एक हथौड़ा एक लोहे पे पटकाते रहता है, तो उससे भी लाइन कट गया तो हम लोग सिंगल दे सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक वाला दूसरा जुगाड़ वाला। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा भाई कि ये जो सिंगलिंग सिस्टम है ना शाफ्ट का, उसका इंस्पेक्शन कितने दिनों में या कितने देर में हमको करना है, सिंगलिंग सिस्टम का घंटी का चेकिंग भाई कितने दिनों में करना है, कितने दिन में या कितने समय अंतराल पे करना है। तो भैया सिंगलिंग सिस्टम या घंटी का जो इंस्पेक्शन है ना वो कितने दिन में होगा, 24 घंटे में एक बार करना है हमको, कितने देर में, 24 घंटे में एक बार करना है हमको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि जो बकेट है या जो डोली है उस पे कितना आदमी चढ़ेगा, कितना आदमी लोल हाविस होगा, इसका निर्धारण कौन करेगा भैया, ये किसके ऑर्डर से होगा कि डोली पे 6 आदमी चढ़ेगा, 7 आदमी चढ़ेगा, 8 आदमी चढ़ेगा, इसका निर्धारण, इसका फिक्सेशन कौन करेगा। तो भैया इसका फिक्सेशन कौन करेगा, मैनेजर करेगा। कौन करेगा, बकेट पे कितना आदमी चढ़ेगा इसका निर्धारण कौन करेगा, मैनेजर करेगा। चलिए ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है शाफ्ट में कि मान लीजिए कि अगर शाफ्ट संडे को बंद है, किसी होलीडे को बंद है, तो उसके बाद अगर शाफ्ट में अचानक हम लोग चालू कर रहे हैं ना, तो हम लोग को क्या करना है, या सवाल यह जाग दे कि आफ्टर होलीडे अगर अचानक चालू करते हैं तो अचानक में जो है वाइंडिंग जो है उसको कितने बार लोल हाबिस करके हमको चेक करना है। तो कितने बार, आफ्टर होलीडे अचानक जब ऑन होता है तो वाइंडिंग को कितने बार लोल हाबिस करेंगे, 4 से 5 बार लोल हाबिस करके हम लोग को चेक करना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है इसमें शाफ्ट की खुदाई जब होती है तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, वो क्या आता है कि शाफ्ट में यदि चट्टानों से पानी रिस रहा है और उस पानी को इकट्ठा करके अलग ले जाने वाली व्यवस्था को क्या कहते हैं। भैया हम अगर शाफ्ट खोद रहे हैं तो अगल बगल का जो पानी है वो क्या होगा, क्रैक से सीपेज करके नीचे आएगा,
तो उस पानी को इकट्ठा करके अलग ले जाने की जो व्यवस्था है ना, वो क्या कहलाती है साफ में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी वाटर गार्लेंड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वाटर गार्लेंड कहलाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भैया साफ फूलेगा तो एक इंटेक एक रिटर्न टू आउटलेट जरूरी है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि भैया टू आउटलेट की बीच की दूरी क्या होगी? क्या होगी? टू आउटलेट की बीच की दूरी क्या होगी शाफ्ट में? तो नॉट लेस देन 13.5 मीटर। कितना होगा? टू आउटलेट की बीच की दूरी कितनी होगी? नॉट लेस देन 13.5। ठीक है, चलिए अब क्या बोलता है कि शाफ्ट की कितनी डेप्थ तक खुदाई अगर हम कर चुके हैं कि भैया वहां पर हमको वाइंडिंग अरेंजमेंट करना अनिवार्य होगा, यानी कितना मीटर हम लोग शाफ्ट खोद लें कि भैया उसके बाद हमको वाइंडिंग अरेंजमेंट का इंस्टॉलेशन करना होगा, तो कितने मीटर पे वाइंडिंग शाफ्ट में वाइंडिंग के लिए कितना मीटर का डेप्थ होना चाहिए? 30 मीटर का डेप्थ होना चाहिए दोस्तों, 30 मीटर। ठीक है, चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। इंक्लाइन में मेन राइजिंग सिस्टम जो है वो कब लगाया जाएगा? इंक्लाइन में मेन राइजिंग सिस्टम कब लगाया जाएगा? तो कब लगाया जाएगा? जब इंक्लाइन की लेंथ जो है वो 1 किलोमीटर लंबा है और आने जाने में लोगों को परेशानी होती है। सीधा सा फंडा, लेंथ इंक्लाइन का कितना होना चाहिए? 1 किलोमीटर, साथ ही साथ लोगों को आने जाने में परेशानी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि शाफ्ट में यूज होने वाली सीढ़ी का ग्रेडियंट कितना होना चाहिए? शाफ्ट में अगर हम लोग सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस सीढ़ी का ग्रेडियंट कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए दोस्तों? नॉट मोर देन 80 डिग्री। कितना होगा? शाफ्ट में अगर सीढ़ी लगा रहे हैं उसका ग्रेडियंट कितना होगा? नॉट मोर देन 80 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि अगर हम शाफ्ट में प्लेटफॉर्म लगाते हैं, क्या करते हैं भाई? सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रेडियंट है, तो भैया क्या करें? कुछ कुछ दूर पे हम लोग प्लेटफॉर्म लगाते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म जो है वो शाफ्ट में कितनी दूरी पे, कितने मीटर के अंतर पे लगाएंगे हम लोग? प्लेटफॉर्म जो है वो हम लोग कितने मीटर के अंतर पर लगाएंगे शाफ्ट में? तो कितने मीटर के अंतर पे? 9 मीटर के अंतर पे हम लोग प्लेटफॉर्म लगाएंगे भैया। ठीक है, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों शाफ्ट में कि अगर मान लीजिए कि शाफ्ट का खुदाई ताजा चल रहा है और मेरा टू आउटलेट्स बन के तैयार नहीं है, लेकिन मेन पावर तो हमको लगाना है, तो उस समय जो है बिना आउटलेट्स के मेन पावर अगर हम लगाते हैं तो उसकी अनुमति कहां से लेनी है हमको? कौन देगा भाई उसका परमिशन? तो भैया उसका परमिशन कौन देगा? उसका परमिशन देगा CI। कौन देगा? विदाउट आउटलेट के मैन पावर अगर लगानी है तो उसका परमिशन कौन देगा? CI देगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोलता है इसमें कि आउटलेट की जांच, आउटलेट जो है टू आउटलेट उसकी जांच कितने दिनों में और कौन कौन करेगा भैया? तो भैया आउटलेट का इंस्पेक्शन कौन करेगा? 7 दिन में कौन करेगा? या तो ओवरमैन करेगा या ACM करेगा। टू आउटलेट का इंस्पेक्शन 7 डेज, ओवरमैन और ACM। ठीक है, चलिए अब आइए कि अगर हम शाफ्ट खोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर हम शाफ्ट खोद रहे हैं तो उसको मैक्सिमम तल्ली से कितने मीटर ऊपर तक हमको क्या करना है? टेम्पोररी सपोर्ट, यानी तल्ली से कितने मीटर ऊपर तक हम लोग को टेम्पोररी सपोर्ट करके रखना है? कितने मीटर तक? 20 मीटर तक। सिंकिंग शाफ्ट में तल्ली से 20 मीटर ऊपर तक टेम्पोररी सपोर्ट, फंडा। ठीक है भाई, चल अब आता है क्वेश्चन कि भैया सिंकिंग शाफ्ट हम चला रहे हैं तो उसमें ड्रिल किससे करेंगे भैया? अगला क्वेश्चन अगर ये डाल दें कि भैया जरा बताइए तो सिंकिंग शाफ्ट में जो है ड्रिलिंग जो है वो किससे करते हैं हम लोग? तो सिंकिंग शाफ्ट में मैक्सिमम क्या होता है ड्रिलिंग के लिए? जैकहैमर ड्रिल इस्तेमाल होता है। कौन सा है ड्रिल? जैकहैमर ड्रिल। और अगर हम बात करें कि सिंकिंग शाफ्ट में ड्रिलिंग पैटर्न क्या होता है तो ड्रिलिंग पैटर्न होता है 3 तरह का। पहला होगा कट होल, दूसरा होगा इजर्स होल और तीसरा होगा ड्रेसर्स होल। 3 तरह, कट, इजर और ड्रेसर। ठीक है, चलिए
अब क्या बोलता है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग चाणक पे आवाज कर रहे हैं, ब्लास्टिंग ले रहे हैं चाणक पे, तो चाणक पे ब्लास्टिंग करने का क्या तरीका भैया, कि शॉर्ट फायर कहां से ब्लास्टिंग करेगा, चाणक के ऊपर से करेगा, और किसे करेगा, एक्सप्लोडर से करेगा। लेकिन इसी टर्म में अगर ये आ जाए कि शॉर्ट फायर क्या करेगा, डीजीएमए से परमिशन अगर मिला हुआ है तो अगर शाफ्ट के ऊपर से, और आवाज किससे कर रहा है, अगर वो इलेक्ट्रिक करंट से डायरेक्ट आवाज कर रहा है ना, ये जो टेक्निक है ये क्या कहलाएगी, तो भैया ये कहलाएगी मेंस फायरिंग, फायरिंग ऑफ मेंस। शॉर्ट फायरर चाणक के ऊपर से किससे फायर कर रहा है, इलेक्ट्रिक से फायर कर रहा है, और ये टेक्निक क्या कहलाएगा, मेंस फायरिंग या फायरिंग ऑफ फ्रॉम मेंस। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या बोलता है इसमें कि सिंकिंग शाफ्ट में कितने वर्ग क्षेत्रफल पर एक होल के हिसाब से होल लगाया जाएगा। ये क्या बोल रहा है भाई, होल लगाने का पैटर्न है कि कितने वर्ग क्षेत्रफल के हिसाब से हम लोग को होल लगाना है, तो कितना होगा, करीब 0.3 से 0.4 वर्ग मीटर के हम लोग को हिसाब से होल लगाना है। सिंकिंग शाफ्ट में जो होल लगेगा वो किसके हिसाब से लगेगा, 0.3 से लेके 0.4 वर्ग मीटर के हिसाब से हमको होल लगाना है ब्लास्टिंग के लिए। ठीक है, अब अगला चीज कि इसमें बारूद कितना चार्ज करेंगे, सिंकिंग शाफ्ट में जो बारूद चार्जिंग होगा वो कितना होगा, वो होगा भैया 1.2 से 1.5 केजी पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से होगा। कितना होगा, 1.2 से 1.5 केजी पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से हमको बारूद चार्ज करना है। एक्सप्लोसिव चार्जिंग कितना होगा, 1.2 से 1.5 केजी पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से होगा। ठीक है, अगला आगे अगर पढ़ते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन कि सिंकिंग शाफ्ट में, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा के दागेगा कि सिंकिंग शाफ्ट में अगर 6 मीटर की गोलाई लेकर हम शाफ्ट खोद रहे हैं तो उसमें क्या है कि 4-5 रिंग में अगर हम होल लगाते हैं तो लगभग वो कितना होल होगा। फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिंकिंग शाफ्ट में 6 मीटर गोलाई के चाणक में 4 या 5 रिंग में करीब करीब कितना होल लग जाता है या लगाते हैं। तो भैया 4-5 रिंग में 60 से 70 होल लगाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए भाई कि खान का जो है ना सिंकिंग शाफ्ट में, भाई डेप्थ चला गया तो थोड़ा हवा पानी का कमी है, कमी है तो क्या करेंगे, वेंटिलेशन करेंगे। अब वेंटिलेशन से 1-2 क्वेश्चन डाल लेते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं शाफ्ट का वेंटिलेशन से कि सिंकिंग शाफ्ट में वेंटिलेशन में यूज होने वाली पाइप का डाया कितना होगा। कितना होगा भैया, 60 सेंटीमीटर। सिंकिंग शाफ्ट में वेंटिलेशन में यूज होने वाली पाइप का डाया 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर इसी में कहें कि सिंकिंग शाफ्ट में वेंटिलेशन में यूज करने वाले कैनवेस पाइप का लेंथ क्या होगा, याद रखिएगा कैनवेस पाइप। कैनवेस पाइप ही क्यों इस्तेमाल करते हैं भाई, क्योंकि इसको ब्लास्टिंग के समय मोड़ के ऊपर उठा लेते हैं। तो भैया इस कैनवेस पाइप का लेंथ कितना होगा, 10 से 15 मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि सिंकिंग शाफ्ट में लाइटिंग के लिए कौन सा केबल इस्तेमाल करते हैं हम लोग। सिंकिंग शाफ्ट में लाइटिंग के लिए कौन सा केबल इस्तेमाल करते हैं, 110 वोल्ट का आर्मर लाइटिंग केबल इस्तेमाल करते हैं। कितना का, 110 वोल्ट का आर्मर लाइटिंग केबल इस्तेमाल करते हैं। और अगर लाइटिंग की हम बात करें, लाइटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं व्यवस्था, तो 100 वाट का 8-10 बोल्ट का हम लोग क्या करते हैं, गुच्छा बना के भाई लटका देते हैं, उसके लाइट से हम लोग शाफ्ट की खुदाई करते हैं। तो दोस्तों ये जो मेरा सिंकिंग शाफ्ट का जो चैप्टर था यहाँ पे खत्म करते हैं हम लोग। अगला टॉपिक मैं बहुत जल्द लॉन्ग वाल लेके आपके सामने आ रहा हूं दोस्तों। तब तक किसी तरह हमारी हिम्मत को बढ़ाते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए दोस्तों। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ये सारे नोट्स मैं धीरे धीरे एक ईबुक के रूप में लिखना शुरू किया हूं, और आशा करते हैं और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि एग्जाम से पहले आप तक वो ईबुक पहुंच जाए। तो दोस्तों पुनः एक बार से आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े और हमारे प्रयास पे कमेंट करें, जरूर करें दोस्तों, या आपको जो चाहिए वो भी कमेंट करें। अगर हमारा टाइम बचता है, हमारा क्षमता है, तब करके देंगे। दैट इज माई प्रॉमिस। धन्यवाद दोस्तों।